से वेल्स तक हर कारखाने में हथियार बन रहे हैं। मैसूर, ग्लासगो और बर्मिंघम में जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की बंदरगाहों में हथियारों से लदे हुए जहाज खाली हो रहे हैं। ये सब अमेरिका में होने वाले नुकसान का हिंदुस्तान से पूरा करने का मंसूबा है। जब मुल्क पे आई मुसीबत की तूने तलवार उठाई, आजादी बचाने की खातिर उसने मौत की कसमें खाई। दिल्ली बिहार सुना था अंग्रेजों के कहर का किस्सा, गोरे अब बांट रहे थे हिंदुस्तान का हर एक हिस्सा। हैदर ने अंग्रेजों पर हमला करने की जब ठानी, दोनों फौजों ने हमले में अपनी बंदूकें तानी। तोपों से गोले दागे, बेरहमी से गोरे काटे, मौत के नशे में फौज की ताकत देख के दुश्मन भागे। जिसके घोड़ों की डाप से हिंदुस्तान थका जाता, जिसकी तलवार के आगे गोरों का सर था झुक जाता। जंगे आजादी में हैदर को लगा जग तो कोला, शहादत पाई उसने टीपू ने ये सबसे बोला। तारीख गवाह है, हमारे वालिद नवाब हैदर अली खान बहादुर ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और अब हम इस जमीन पर अपना खून छिड़कने के लिए तैयार बैठे। शेख अय्याज ने झूठे पाप दिखा कर यूं भड़काया, अनंतपुर की आवाम पे जुल्म करके जिंदा जलाया। कृष्णा से कावेरी तक फैली हुई मैसूर की सरहद, आवाम की जान माल की हिफाजत थी टीपू की हसरत। अल्लाह का बंदा नेकी करने चला देखो ऐ वीरों, मस्तान की दरगाह पर दुआ मांगी थी उसने फकीरों। 80,000 घुड़सवार पिंडारियों का था एक रिसाला, तकलक के आगे तिरंगी लश्कर हारा। चंद रुपयों की खातिर गद्दारों ने ईमान गवाया, दिल के टुकड़ों को अंग्रेजों ने जमानतदार बनाया। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी मशरक से मगरिब तक, जमीन से आसमान तक सारी कायनात देकर भी हिंदुस्तान की खाक का एक जर्रा मांगे तो हम इनकार कर देंगे। रण के मैदान में जब मैसूर की फौज का झंडा आता, टीपू के खौफ से दुश्मन असला बंद छोड़ भाग जाता। 4 तारीख 1799 के मई का महीना, कंगारों की साजिश ने शेर पिंजरे में आघेरा। तोप के गोलों और बंदूकों से सब गूंज रहा था, तलवारों की आहट से दुश्मन का दिल कांप रहा था। मेरे साथ गद्दार ने शेर की बांध में सेंध लगाई, 300 मारे शेर ने अपनी ही बांध में शहादत पाई। एक दिन शेर का जी के देश की खातिर जान गवाई, अपने लहू की बूंदों से खुदा के जहां में जन्नत पाई। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ी चीज है, हम तो हिंदुस्तान के चप्पे की भी गुलामी का सौदा नहीं कर सकते।